बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स, टेक आउट योर जनरल साइंस बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 24, यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 24, ओपन पेज नंबर 24। आज पेज 24 पे हम कंसेप्ट चेक करेंगे। हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया है डाइजेशन के बारे में। यूनिट 3 डाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा दैट फूड गिव्स अस एनर्जी एंड वी आर गेटिंग दैट एनर्जी आफ्टर द डाइजेस्टिंग आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा कि कौन से पार्ट में फूड के साथ क्या होता है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हमने पढ़ा कि माउथ से फूड एंटर होता है, ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है और स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल्स है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं और फिर एनस से हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब इन ऑर्गन्स के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, तो अब आप कॉन्सेप्ट चेक किया, आप लोगों का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अंडर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस कॉमा राइट व्हाट हैपन्स टू द फूड द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। या आप लोगों को कॉलम्स बना के दी है कि हर एक स्टेज में, मीन माउथ में फूड के साथ क्या होता है, फूड पाइप, ईसोफेगस में फूड के साथ क्या होता है, स्टमक में क्या होता है। अंडर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस, हर एक स्टेज में डाइजेस्टिव प्रोसेस में फूड के साथ क्या होता है। द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और लास्ट वन हमारे आपके लिए सॉल्व किया गया है बुक में। तो ये कॉलम दी है कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक में क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज में, एनस में, हमारे लिए कि बुक में सॉल्व हुआ है, सॉलिड फूड वेस्ट फीसेस एक्सिट्स द बॉडी, ये लास्ट वन ऑर्गन है जिसमें से जो हमारे बॉडीज के जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। इसलिए हम राइट करेंगे ये रफ़ कॉपीज़ में, ये कॉलम जो है ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो आप लोग रफ़ कॉपीज़ निकाल दें, उसमें इस तरह कॉलम्स ड्रॉ कर लें और हम स्टेप वाइज हर एक स्टेज के बारे में राइट करेंगे। टेक आउट योर रफ़ कॉपीज़ और इस तरह कॉलम्स बना लें अपने रफ़ कॉपीज़ में। फर्स्ट वन स्टेज माउथ, वी नो दैट द फूड एंड वाटर, द फूड वी ईट एंड द वाटर वी ड्रिंक इंटर द बॉडी थ्रू माउथ। माउथ इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है। इसमें फूड के साथ क्या होता है, तो हम राइट करेंगे, इस तरह कॉलम ड्रॉ कर ली नीटली विद द रूलर एंड यू विल राइट हेयर इन द पेंसिल विद द पेंसिल। आप लोग पेंसिल के साथ इस कॉलम को फिल कर लें। माउथ, फूड इज चीव्ड CHEWED कॉमा फूड इज चीव्ड द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलेवरी ग्लैंड्स। फूड के साथ क्या होता है कि फूड को चबाया जाता है, जब हम खाते हैं तो हमारे माउथ में हमें पता है कि टीथ है 4 टाइप्स के, तो टीथ क्या करते हैं, हम अपने जो फूड होता है वो टीथ के ज़रिए उसकी कटिंग, ग्राइंडिंग, चीविंग हो जाती है और टंग जो है ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। हमारे टंग में सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि सलाइवा किसे कहते हैं, थूक को कहते हैं, जो कि कंटिन्यूसली सलाइवा हमारी माउथ में प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के जरिए रिलीज करते हैं सलाइवा को, तो हमारे माउथ में टंग में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा को कंटिन्यूसली सलाइवा उससे प्रोड्यूस होता है। तो फूड के साथ सलाइवा जब मिक्स हो जाता है तो ये फूड सॉफ्ट हो जाता है। सो राइट, फूड इज चीव्ड द टंग कॉमा द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स फुल स्टॉप। एक स्टेज तो हो गया कि माउथ में फूड की चीविंग हो गई और उसके साथ सलाइवा मिक्स हुआ और
फूड सॉफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आता है, फूड अब कहाँ पे जाएगा, फूड पाइप में। इसके लिए भी आप लोग कॉलम रेडी कर लें, फूड पाइप, द थ्रोट लीड्स LEADS इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। ये फूड जो है गले में एक ट्यूब होता है जो स्टार्ट होता है वहाँ से, लीड करता है थ्रोट से, थ्रोट जब फूड आता है टंग जो है फूड को पुश करता है, टंग पुशेज द फूड इनटू द थ्रोट एंड द थ्रोट लीड्स इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। ये इसोफेगस नाम है इसका, फूड पाइप भी कहते हैं और इसको इसोफेगस भी कहते हैं। तो थ्रोट से फूड जो है वो ट्यूब में आता है, उसको फूड पाइप कहते हैं। पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। पोर्शंस ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड एंड इन टाइम इट इंटर आवर स्टमक राइट नीटली। कि थ्रोट जो है लीड करता है एक ट्यूब में, उस ट्यूब को फूड पाइप कहते हैं। जब फूड पाइप में आ जाता है तो इसके पोर्शंस कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, और फूड इसी तरह फूड को पुश करती हुई ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, उसकी वजह से फूड पुश होता है और स्टमक तक पहुंच जाता है, स्टमक में एंटर होता है। अब स्टमक में फूड के साथ क्या होता है, वी विल राइट इन द नेक्स्ट कॉलम। अब आप लोग देखिए स्टमक हेडिंग दे दे, कॉलम ड्रॉ कर ले इस तरह। द स्टमक रिलीजेस एसिड RELEASES रिलीजेस एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स फुल स्टॉप। द स्टमक मसल्स चर्न द फूड एंड मिक्स इट with the juices. Full stop. The acid kills harmful bacteria and helps to digest proteins. The stomach releases acid. Stomach एक acid को release करता है और digestive juices को, जो which break down the food into still smaller particles, जो food की break down करते हैं उसको और भी smaller particles में convert करते हैं। stomach muscles churn the food, ये food को stomach में food इतना mix हो जाता है, इसको food के साथ juices भी add हो जाते हैं, इसको और भी simpler बनाया जाता है। churn mean के butter बनाना उसकी तरह बिल्कुल soft हो जाता है, और ये एसिड भी रिलीज़ करता है। एसिड क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया अगर फूड में हो तो उसको ख़त्म कर देता है, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये एसिड जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन में। सो राइट नीटली एंड राइट करेक्ट स्पेलिंग्स। देन प्रिपेयर द नेक्स्ट कॉलम फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से फूड जो है फिर मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। SMALLINTESTINE small intestine. Food passes from the stomach through the small intestine, where more digestive juices make the food softer. Food pass होता है stomach से फिर small intestine की तरफ जाता है, वहाँ उसके साथ और भी juices add हो जाते हैं जो कि food को और भी सॉफ्ट बनाता है, सॉफ्टर SOFTER फुल स्टॉप। द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन, डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स पासिस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स VESELS। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल इतनी थिन होते हैं, जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये फूड ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करता है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स जितनी भी हमारे फूड में हैं,
तो ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करते हैं। सो राइट नीटली फूड पासिस फ्रॉम द स्टमक थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर फुल स्टॉप द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स पासिस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स देन प्रिपेयर द नेक्स्ट कॉलम फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन क्योंकि हमें पता है कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में तो यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो कि वेस्ट रह जाते हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं सम ऑफ राइट नीटली लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलम में लिख के सम ऑफ द थिंग्स वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड DIGESTED कैन नॉट बी डाइजेस्टेड फुल स्टॉप दे पास इंटू द लार्ज इंटेस्टाइन दे पास इंटू द लार्ज इंटेस्टाइन फुल स्टॉप हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ABSORBED वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड UNDIGESTED फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर जो फाइबर रेशे को कहते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता तो ये मूव करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में इससे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बाकी सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं थ्रू एनस सो राइट नीटली सम ऑफ द थिंग्स वी ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड दे पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर फुल स्टॉप नाउ प्रिपेयर द नेक्स्ट कॉलम फॉर द एनस ये बुक में गिवन भी है सॉलिड फूड वेस्ट फीसिस ब्रैकेट में लिखी फीसिस FECES फीसिस एग्जिट्स द बॉडी जो सॉलिड वेस्ट है वो एनस के थ्रू फीसिस के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाते हैं एग्जिट हो जाते एग्जिट्स मीन निकलना सो राइट एनएस के कॉलम में राइट कर ले सॉलिड फूड वेस्ट फीसेस ब्रैकेट में लिखी फीसेस एग्जिट्स द बॉडी फुल स्टॉप ये कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन हमने कर लिया हाँ बुक में ये कॉलम्स गिवन है कि इसमें राइट कर ले कि हर एक स्टेज में फूड के साथ क्या होता है तो माउथ में हमने राइट कर लिया आप लोग करेक्ट स्पेलिंग्स राइट कर ली नीटली कि उसके साथ क्या होता है फूड चीव्ड होता है और सलेवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं और वो फूड के साथ मिक्स होता है ताकि फूड को सॉफ्ट बनाया जा सके फिर फूड से माउथ से फूड जाता है फूड पाइप की तरफ वहाँ पे फूड पाइप कंट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है और फूड को पुश करता है स्टमक की तरफ और फूड एंटर हो जाता है स्टमक में राइट नीटली इन दिस कॉलम जिस तरह मैंने राइट किया है आप लोग पेंसिल से कॉलम में राइट कर ले एंड राइट करेक्ट स्पेलिंग्स फिर इसके बाद स्टमक की तरफ फूड जाता है तो स्टमक में फूड के साथ क्या होता है कि वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस ऐड हो जाते हैं और एक एसिड रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है और प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है सो राइट नीटली राइट करेक्ट स्पेलिंग्स फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के साथ और भी जूसेस ऐड हो जाते हैं ताकि फूड को सॉफ्ट बनाया जा सके और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ये फूड ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाते हैं क्योंकि ये इसके जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है सो राइट नीटली यहाँ से आप लोग करेक्ट स्पेलिंग्स राइट कर ले और प्रॉपर लाइंस में राइटिंग कर ले फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने लिखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में उनसे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो फाइबर है और फिर
एनस के थ्रू ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, एक्सर्ट हो जाते हैं। सो यू पीपल राइट नीटली, फिल द कॉलम्स एंड यू विल डू राइटिंग विद द पेंसिल।